बता दें कि हम यहाँ पे आज मुबारकबाद देने आए हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उससे भी ज्यादा जो यहाँ की हमारी पार्टी के हाईकमांड है, ऑनरेबल रविंद्र रैना जी, ऑनरेबल कोल साहब, जिन्होंने 70 साल पिछले हुए कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ओबीसी को, जिनको चालाकी और साजिश के तहत ओएससी नाम देकर तालीमी हुकूक, इकोनॉमिकल और बाकी जो बेनिफिट्स उनसे अलग रखा गया था, हमारी रिजर्वेशन पे लात मारी गई थी, एक ऐसी चालाकी की गई थी कि जिस पे हमारी हमारा जो पसमानदा तबका है कभी लड़ नहीं पाता था और कभी इस बात को रिड्रेस नहीं कर पाता था। लेकिन आर्टिकल के हटने के बाद जो वादा किया गया कि आर्टिकल की आड़ में जो यहाँ की लोगों को दबाया गया था, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, हेर फेर करी जाती थी, हमेशा वोट देने वाला तबका जो था, गरीब तबका जो था, जो ओबीसी का तबका था, एसटी था या बाकी तबके थे, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, उसके लिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में जो वादा दिया था कि हम सब दूर करेंगे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको मशकूरी कहते हैं कि 70 साल के बाद हमें पहली बार वो हक मिला कि जब पार्लियामेंट ने परसों ये कानून पास करा, हमें ओएससी के बदले हमारा नेम एंड कल्चर जो था चेंज करा, हमें ओबीसी दिया गया कि पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी रियासतें हैं हर जगह पे ओबीसी कम्युनिटी को ओबीसी ही कहा जाता है, लेकिन एक हम बदनसीब थे कि हमारे साथ ये शातराना हरकतें की गई थी कि हमें ओएससी का नाम दिया गया था, अदर सोशल कास्ट।